रतन सिंह कंपनी को फॉल इन करवाओ। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर, कोई रहे या ना रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा सर, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती, लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। छुट्टी लेकर मैं घर तक नहीं पहुंचा सर, आधे रास्ते से वापस सिर्फ अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए आ गया, सिर्फ ये सुनने के लिए कि कमांड ने मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया, मुझे गोली मार दीजिए सर, मगर मैं ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूं मथुरा दास, मगर कमांड ने भी कुछ सोच समझ कर हुक्म दिया होगा। हम 120, दुश्मन 2000। कहां के हो साहब जी? सच्चे पादशाह दसवीं पादशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम धरावा। साहब जी, जब चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है तो हम तो इंसान है। हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो मैं ये समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे। जी सर। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम जगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। ये तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है। बोले Alpha to Delta, Alpha to Delta, come in, over. Delta to Alpha, sir. मेरी बात ध्यान से सुनो, over. Sir. तरबीन हमारी position command से छुपी नहीं है। उन्होंने फैसला मुझ पर छोड़ा है कि हम पीछे हटें या मुकाबला करें। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, over. शायद आप भूल गए हैं सर कि मैं मेजर वीरभान का बेटा हूँ। पीछे हटने की बात सोच भी नहीं सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। Over and out. दो सालों को जरा नजदीक, हम लोगों ने माइंस किस लिए बचाए हैं?
लगता है हिंदुस्तानियों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखे हैं। कोई कटिले दरों के आगे नहीं जाएगा। बोले सोनिहाल, श्री अकाल, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। लगता है हमारी इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई। यहाँ 120 आदमियों की कंपनी नहीं, 600 आदमियों की पूरी बटालियन है। कुलदीप सिंह, तेरे मौत के फरिश्ते तेरे दरवाजे से खड़े ने, जाते अपने बंदे समेत सिर ते हाथ रखकर बाहर आ जा, या तो फिर अपनी अंतिम अरदास लाई पटन देखे आईने बुढ़ा कर रख ले, क्योंकि तू नहीं बच सकता। ओए तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर का मशहूर गुंडा, गंदे नाले की पैदाइश, ऐसा वक्त ही दसेगा कि मेरी अंतिम अरदास होंदी है या तेरा इन्ना लीला पढ़िया जाता। हूं तू इन्ना चेते रख के तू एक कदम भी बाहर निकलिया तो मैं तेन ओही गंदे नाले दे विच बाहर सटांगा जिथो तू आया सी। ओए चुप क्यों हो गया? जवाब दो इसे। Yes.
देश के रानी हो रही है। ओए तेरे हाथ में बंदूक। अरे सिपाही के हाथ में बंदूक नहीं होगी तो और क्या होगा। मगर मैंने तो इस सिपाही के हाथ में हमेशा कड़ची देखी है। अरे उस कड़ची का ही कमाल है कि तू खा खा के इतना तगड़ा हो गया। अब इस बंदूक का कमाल देख, दो चार दुश्मन तो इसके नाम होंगे। तेरी तो मैं लाले दी जान चेतन हाँ। कुछ हो गया तो मुझे खाना कौन खिलाएगा। ओए पांडुराम याद है ना फौज से निकलने के बाद हमने ढाबा खोलना है 50-50 की पार्टनरशिप। एक शर्त। क्या? तू उस ढाबे में खाना नहीं खाएगा। ओए ये कैसे हो सकता है। फिर बराबर की साझेदारी नहीं। 10 पैसे तेरे और 90 मेरे। क्यों क्यों क्यों? अरे उतने का खाना तो तू खुद ही खा जाया करेगा। तुम्हें स्प्रिंग चाहिए था ना, ये लो स्प्रिंग। चला गोली भैरव सिंह। ये धरती अगर तुम्हारी मां है तो मेरी भी मां है। हो सके तो मेरे बच्चे की मां को संदेश पहुंचा देना। कहना मैं उसका गुनहगार हूं। इस जन्म में धरती मां का कर चुका के जा रहा हूं। अगले जन्म उसका कर चुका दूंगा।